हेलो फ्रेंड्स, मैं एल आर कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल आर एस इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं एडवांस रेफ्रिजरेशन MR 301 के टॉपिक कूलिंग टावर की एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करूंगा। कूलिंग टावर की एफिशिएंसी अपन डिस्कस करें उससे पहले कुछ चीज़ें और भी एक दो टर्म्स और भी हैं जिनके बारे में डिस्कस करें। एक होती है टावर अप्रोच। टावर अप्रोच क्या होती है? देखो, टावर अप्रोच द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर टेम्परेचर लिविंग द टावर एंड द WVT ऑफ एंटरिंग एयर। यानी जो वाटर से, जो कोल्ड वाटर टावर से जो कोल्ड वाटर जा रहा है उसका टेम्परेचर एवं जो एयर आ रही है उसका WVT, इन दोनों का डिफरेंस होता है वो टावर अप्रोच कहलाता है। मोस्टली जो होता है, जो लिविंग वाटर टेम्परेचर होता है वो WVT से ज़्यादा होता है, इसलिए जो डिफरेंस आता है दैट इज़ द टावर अप्रोच। देन टावर रेंज, ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर टेम्परेचर एंटरिंग द टावर एंड द लिविंग वाटर टेम्परेचर। यानी कि टावर रेंज का मतलब हुआ कि कितना वाटर जो है, कितने टेम्परेचर तक वाटर को ठंडा किया, यानी वाटर जो एंटर हो रहा है उसका टेम्परेचर एवं जो वाटर आपका ठंडा होकर के बाहर निकल रहा है टावर से उसके टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, दैट इज़ द टावर रेंज। उसको टावर रेंज कहते हैं, यानी इस टेम्परेचर, इस रेंज तक टेम्परेचर जो है ठंडा होता है। टावर अप्रोच में ये हुआ कि टावर में जो मिनिमम टेम्परेचर प्राप्त हो सकता है और जो टेम्परेचर प्राप्त हुआ उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, दैट इज़ द टावर अप्रोच। यानी लिविंग वाटर टेम्परेचर एंड WVT, यानी ठंडा तो होना चाहिए था WVT तक, लेकिन हुआ कितना, WVT से थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो ये जो डिफरेंस रहा वो कितना रहा, दैट इज़ द टावर अप्रोच। ये टावर अप्रोच कहलाती है। नाउ द टावर इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, मोस्टली इसको इफेक्टिवनेस कहें तो ज़्यादा ठीक रहता है, बिकॉज दिस इज द, अगेन दिस इज द लाइक ए ऑपरेटिव हीट एक्सचेंजर है, एक तरह से ये ऑपरेटिव कंडेंसर ही की तरह काम करता है, तो इसको अपन इफेक्टिवनेस भी कह सकते हैं और इसको एफिशिएंसी भी कहते हैं। एफिशिएंसी ये हुई कि वास्तव में टेम्परेचर कितना डाउन आया, कितना डाउन आया और कितना आ सकता है, इन दोनों का रेशियो होगा, दैट इज़ द एफिशिएंसी। यानी कि यहाँ पर बात करें तो दिस इज़ अ TE, टेम्प एंट्रिंग वाटर टेम्परेचर, यानी कि जो शुरुआत में वाटर आ रहा था, कंडेंसर से वाटर आया उसका टेम्परेचर क्या है, और वाटर टेम्परेचर ऑफ लिविंग वाटर, यानी कि जो वाटर ठंडा होके कंडेंसर से जा, उससे कूलिंग टावर से कंडेंसर में जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, यानी जो टावर है उसमें एक्चुअल में वाटर कितना जो है ठंडा हुआ, यानी TE - TL। TE जो एंटर हुआ था टावर में उसका टेम्परेचर था, और ठंडा होकर निकला हुआ, दैट इज अ TL। तो दिस इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको अपन कहेंगे टावर रेंज। टावर रेंज कहेंगे कि भाई ये जो है इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक ठंडा हुआ, यानी कुल कितना टेम्परेचर डाउन आया वो अपॉन TE - TWT WVT, यानी कि TE एंट्रिंग वाटर टेम्परेचर माइनस TWT, यानी वो कितने टेम्परेचर तक ठंडा हो सकता था, कितने टेम्परेचर तक ठंडा हो सकता था, दैट इज द WVT ऑफ द एयर, जो एयर एंटर हो रही है उसका WVT कितना है उस टेम्परेचर तक, तो वो लास्ट ठंडा हो सकता था। तो दिस इज द, ये रेंज जो है ना वो ज़्यादा होगी, ये रेंज कम होगी। सपोज कोई टेम्परेचर, कोई जो है ना वाटर जो है वो आपका 10 डिग्री का आपका उसकी रेंज आ रही है, मान लो 10 डिग्री जो है वो रेंज है वो 10 डिग्री, मान लो जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर का जो है ना वाटर एंटर हो रहा है और वो 40 डिग्री पर बाहर जा रहा है, तो दिस इज़ द 50 - 40, दिस इज़ द टावर रेंज। और वास्तव में वो कितना ठंडा हो सकता था, क्या 40 डिग्री तक हो सकता था, नहीं, वो जो है जो एयर एंटर होती है उसके WVT तक वो ठंडा हो सकता है। मान लो वो WVT है, मान लो 30 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, जो भी है, मान लो 30 डिग्री है, तो वो जो वाटर एंटर हो रहा था 50 डिग्री वाला, वो लास्ट कहाँ तक ठंडा हो सकता था, 30 डिग्री तक, लेकिन हुआ कितने डिग्री तक, 40 डिग्री तक। तो जो एफिशिएंसी होगी जो होगी 50 - 40, और ये होगी 50 - 30, तो ये हो गया आपका 10 - 20.5, यानी 50% एफिशिएंसी हो गई। तो इस तरह से इसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका हुआ रेंज, वही होगी TE - TL, जो उसको रेंज कहते हैं, अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। रेंज प्लस अप्रोच कैसे हुई, दिस इज रेंज क्या है TE - TL, अप्रोच क्या होगी आपकी TL - TWT, तो TL से TL कैंसिल आउट हो जाएगा, देन बचेगा TE - TWT, तो दिस इज रेंज प्लस अप्रोच।
रेंज प्लस अप्रोच। देखिए इसको ये समझ में आ गया, रेंज प्लस अप्रोच कैसे हुआ, टी ई माइनस टी डब्ल्यू टी हो जाएगा, क्योंकि दिस इज टी ई, ये ई हो गया, माइनस टी एल, ये हो गया आपका रेंज, ये रेंज हो गया, एंड अप्रोच क्या होगी, प्लस अप्रोच होगी टी एल माइनस टी डब्ल्यू बी टी, डब्ल्यू बी टी होगी। तो ये आपका ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, टी ई माइनस टी डब्ल्यू बी टी। तो दिस इज रेंज प्लस अप्रोच, दैट इज द कूलिंग टावर एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस, इसको अपन कह सकते हैं। तो ये आपकी कूलिंग टावर की एफिशिएंसी थी, दिस इज टी ई माइनस टी एल अपॉन टी ई माइनस टी डब्ल्यू बी टी, जहाँ पर टी ई जो है एंटरिंग वाटर टेम्परेचर है एंड जो टी एल है लिविंग वाटर टेम्परेचर है। नाउ वी विल डिस्कस द रेटिंग एंड सिलेक्शन, रेटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर की जो रेटिंग दी जाती है वो टन्स में होती है, बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर कैपेसिटी, जो मानते हैं कि वह 250 BTU पर मिनट पर टन हीट ट्रांसफर कैपेसिटी जो होती है किसकी, कूलिंग टावर की, आदर्श जो कूलिंग टावर लेते हैं उसकी इतनी जो है हीट ट्रांसफर कैपेसिटी मानते हैं पर टन के हिसाब से। तो जो टन जो कैपेसिटी होती है वो टनेज में दी होती है, और टन जो होता है वो आपका दैट इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्रेसर रेटिंग, कंप्रेसर में जो टन की रेटिंग अपन ने पहले डिस्कस की थी उसके आधार पर ही इसकी कूलिंग टावर की रेटिंग दी जाती है। और जो है कूलिंग टावर अपने को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए अपने को क्या क्या डाटा चाहिए, देखो एक डिजायर टावर कैपेसिटी इन टन्स, टावर की कितनी कैपेसिटी है टन्स के अंदर ये मालूम होना चाहिए कि भाई कितने टन के लिए जो है ना उसको लें, कंप्रेसर कैपेसिटी के हिसाब से कितने टन का लेंगे वो अपने को मालूम होना चाहिए। डिजाइन डब्ल्यू बी टी, कितना डब्ल्यू बी टी होगा एयर का, एयर का डब्ल्यू बी टी अपने को मालूम होना चाहिए कि किस डिजाइन डब्ल्यू बी टी पे अपन उसको ले रहे हैं, कि मान लो जैसे वो मोस्टली वहाँ का जो है डब्ल्यू बी टी रहता है 25 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी रहता है 15 डिग्री, तो वो अपन डिजाइन डब्ल्यू बी टी लेंगे। एंड डिजायर्ड लिविंग वाटर टेम्परेचर, वाटर कितने डिग्री पे अपने को बाहर चाहिए, तब अपन ये सब चीज़ें अपने को मालूम हो तो अपन इससे जो है वाटर की जो फ्लो रेट है वो निकाल सकते हैं, डिजाइन कर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्लो रेट अपने आप मालूम होगी, इससे अपन निकाल सकते हैं फ्लो रेट क्या रहेगी और एंटरिंग वाटर टेम्परेचर क्या रहेगा, वो अपन सब निकाल सकते हैं। सिमिलरली यदि ये चीज़ें नहीं मालूम हो तो इनमें से ये चीज़ें हो तो भी मालूम कर सकते हैं, तो भी अपन जो है ना वाटर तो जो कूलिंग वाटर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कूलिंग टावर को सेलेक्ट करने के लिए डिजायर्ड फ्लो रेट ओवर द टावर, यदि अपने पास फ्लो रेट मालूम है कि भाई अपने को किसी प्लांट जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन प्लांट या और कोई दूसरा प्लांट जो अपन जैसे उसमें उसको कंडेंसर में कितनी हीट आएगी और उसको कूल करने के लिए अपने पास में हीट फ्लो रेट क्या रहेगी, वो वाटर फ्लो रेट क्या रहेगी, यदि अपने पास में ये मालूम हो, वो डिजाइन डब्ल्यू बी टी मालूम हो एंड डिजायर्ड एंटरिंग एंड लिविंग वाटर टेम्परेचर मालूम हो, तो अपन आराम से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के लिए अपने को डाटा चाहिए, इसकी रेटिंग जो है वो टन्स में दी होती है। तो ये था अगर कूलिंग टावर, इसमें जो है जो टन्स में कैपेसिटी लेते हैं वो लेते हैं कंप्रेसर की जो कैपेसिटी अपन ने जो पहले डिस्कस की थी वो लेते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एंड डिजाइन डब्ल्यू बी टी मोस्टली जहाँ वहाँ पर अपने को जो एयर जो आ रही है उसका जो डब्ल्यू बी टी मोस्टली कितना रहता है, डिजाइन डब्ल्यू बी टी हो जाएगा कि भाई अपन जो कितने डब्ल्यू बी टी पर कूलिंग टावर डिजाइन कर रहे हैं। दीज आर द रेटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द कूलिंग टावर। नाउ थैंक यू।